जय हिंद दोस्तों। आज एक नया सेशन में आईटीआई स्टूडेंट के लिए बिग मतलब कि बिग अपॉर्चुनिटी है, समझो तो धमाका है आप लोग के लिए ना। वैकेंसी निकल के आई है, रेलवे की ओर से वैकेंसी निकल के आई है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ना सभी लोग एलिजिबल नहीं है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आईटीआई वाले के लिए तो गुड न्यूज़ है, ये पक्की जॉब है, ठीक है, पक्की जॉब है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं एक्सपोर्ट कोटा से, इंटरेस्ट रखते हैं या फिर किए हैं यहाँ वहाँ से, मतलब एशियाड लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेले हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, आप लोग मौका को नहीं गंवाना है, ठीक है, मौका नहीं गंवाना आपको। और हाँ, इसका सब चीज़ मैं अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, सब चीज़ वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। अब देखो, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ओके, 10/11/2023 को ये पब्लिकली अनाउंसमेंट किया गया। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट कोटा पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट्स वेरियस पे लेवल फॉर द ईयर्स 23-24 वाला, चीज़ को बारीकी से देखेंगे कहाँ पे क्या लिखा गया, सब चीज़ मैं आप लोग को एकदम डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सबसे जरूरी बात कि डेट समझ लो पहले, 10/11/2023 9 बजे से आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, 9/12/2023 मतलब कि दिसंबर तक आपको मौका मिल रहा है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देख लो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 तक का आपका सैलरी होने वाला है। और यहाँ पे देखो, सेंट्रल लेवल का 7 CBC करोड़ आप लोग को सब चीज़ मिलेगा, सब चीज़ मतलब कि सब चीज़ है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का जॉब है, रेलवे की तरह आप लोग को एकदम बेहतरीन सब चीज़ मिलेगा, ओके। अब देखो, समझो कि रेलवे का जॉब ही हो गया यार, रेलवे की तरह क्या, रेलवे में आपको जॉब मिल रहा है। पे लेवल देखो, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ मेंशन किया गया, उसके बाद से पोजीशन के बारे में बताया गया है, बैट्समैन के लिए जो मतलब खिलाड़ी के लिए बताया गया कि कौन कौन से खिलाड़ी से आप लोग मतलब कि हैं, तो आप फॉर्म को फिलअप करो, वॉलीबॉल हो गया या बास्केटबॉल हो गया, ठीक है, एथलेटिक मैन हो गया या कबड्डी हो गई या टेबल टेनिस हो गया, ये सब लोग के लिए यहाँ पर देखोगे ना 8, ओके, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखोगे पूरा डिटेल में लिखा गया, यहाँ पर इसके पूरा मेंशन किया गया, रॉ कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग को देखना, यहाँ पे 8 सीट है, यहाँ पे इसको देखते रहिएगा, ये कॉलम में देखिएगा, ठीक है, ये वाला में। उसके बाद से गेम मैन वुमेन वाला के बॉडी बिल्डिंग्स मैंस, ये दोनों लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, मैन है वुमेन है, वुमेन के लिए बहुत कम सीट है, ठीक है, लेकिन है आप लोग के लिए भी है ये गेम वुमेन वाले के लिए, देखो ये वुमेन वाले के लिए ही है, ओके, कम नहीं है तो ज़्यादा नहीं है तो कम नहीं, कम भी नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, देखो ये वाला देख लेना, यहाँ पे ना ऊपर वाला में देखो, यहाँ पे आप लोग का मैन वुमेन यहाँ पे दोनों कर दिया गया, यहाँ पर भी देखो कि मैन वुमेन दोनों दोनों के लिए देखो स्लैश यहाँ पर दिया गया, ओके, तो जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो वहाँ पर बताएगा किसके लिए क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना आप लोग। उसके बाद देखोगे यहाँ पर भी आप लोग का ग्रांड टोटल आप लोग का 25 है, ये जो भी वैकेंसी निकली हुई है ये लोग घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। और यहाँ पे देखो सब चीज़ आप लोग नंबर जैसे कि जो मिलेगा आप लोग का, तो यहाँ पे ना किस लेवल तक खेले हो, कितना लेवल तक खेले हो, वो सब के आधार पे आप लोग का नंबर ऐड होता है और आप लोग का सिलेक्शन होता है। सीनियर क्लर्क लेवल 5, जूनियर क्लर्क आप लोग लेवल 2, टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 का आप लोग का सैलरी बनेगा, मतलब DD वाले के लिए यहाँ पे है। उसके बाद से 12th पास हो तो आप लोग जूनियर क्लर्क के लिए फॉर्म मतलब फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो 10th पास हो, ITI की UNCBT से किए हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, या फिर ट्रेनिंग पीरियड सो मच स्पोर्ट कोटा मतलब अपॉइंटमेंट विल बी 3 ईयर्स, ठीक है। अगर आप 3 ईयर कम से कम कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं या फिर खेले हुए हैं 6 मंथ तक आप लोग का, इन केस विल बी द देखो यहाँ पर ट्रेड इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेवल 1 का आप लोग का सैलरी, ये जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर बताया 10th वाले ITI वाले एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, या फिर NCBT से आप ITI किए, या फिर एक्सपीरियंस है NSC है तो आप NSR अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, मतलब 10th पास हो और NSC हो, ठीक है, NSC किए हो तो आप एलिजिबल हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ओके, यहाँ पे वो चीज़ लिखा गया। अब देखोगे ना सबके लिए अलग अलग पोस्ट वाइज आप लोग का सब चीज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया, पूरा आप लोग देख सकते हो। जैसे कि कलर के लिए, तो कलर के लिए यहाँ पे टाइपिंग भी आप लोग का स्पीड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद से एज लिमिट आप लोग का 18 से 25 बताया गया, मिनिमम से मैक्सिमम आप लोग को छूट मिलेगा, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी चीज़ है आप लोग को छूट मिलेगा। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पे आप लोग का एज यही इसी जगह आप लोग को यहाँ पर लिखा भी गया। उसके बाद से कैटेगरीज बांट दिया गया भैया आप लोगों को, जैसे कि स्पोर्ट पर्सन यहाँ पर जो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ पर जो भी चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि वर्ल्ड कप जूनियर्स यूथ, यहाँ पर सीनियर के लिए वर्ल्ड कप, यहाँ पर चैम्पियनशिप जूनियर सीनियर, ठीक है, ASEAN, उसके बाद से कॉमन वेलफेयर, यूथ ओलंपिक, कहाँ से कैटेगरी मतलब कौन कैटेगरी में खेले हो यार, वो सब चीज़ यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मेंशन किया गया। भैया आपको
उसी के आधार पे ना, ये सब के आधार पे आप लोग का नंबर ऐड होने वाला, मतलब कि आप लोग का नंबर ऐड होगा और आप लोग को जोड़कर आप लोग का मेरिट बनाया जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई एग्जाम उग्जाम नहीं होता, और होता भी है तो बहुत नॉर्मल सा होता है। ओके, यहाँ पे सब चीज़ लिखा गया, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, जिस भी पोस्ट के लिए भरोगे तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया, आप वो चीज़ को मांगेगा। ठीक है, मैं हर चीज़ को बताऊँगा, ये सब चीज़ पूरा डिटेल में जो लिखा गया इसको बताऊँगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन, मैं इसका लिंक दे दूंगा, टेंशन लेना, आप लोग देख लेना। देखो कबड्डी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, या क्रिकेट क्रिकेटर हो गया, मैन हो गया, तो यहाँ पे पूरा लिखा गया टर्म एंड कंडीशन, आप लोग जानते ही हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल से खेले हो, या स्टेट लेवल से खेले हो, कहाँ से खेले हो, वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया, आपको यहाँ पे देख लेना। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, लेवल फाइव पे सीनियर सिंगल्स यहाँ पे अप टू द एट पोजिशन, मतलब कहाँ तक कितना बार खेले हो, वो सब चीज़ यहाँ पे बताया गया पूरा भैया, सब चीज़ डिटेल में आप लोग को यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, पूछा गया है पूरा डिटेल में, आप लोग को बताना भी है। उसके बाद से देखोगे यहाँ पर नेशनल जूनियर और नेशनल्स बैडमिंटन के लिए, उसके बाद चैंपियनशिप वाले के लिए यहाँ पर लिखा गया, बहुत बड़ा PDF है, 11 पेज में टोटल है। अब देखो यहाँ पर मार्क्स आप लोग का जो होगा, आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, देख लो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखो फॉर गेम्स स्किल या फिजिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर 40 मार्क्स आप लोग का होगा। ठीक है, FIT कैंडिडेट के लिए 25 मार्क्स आप लोग का मोर होगा। उसके बाद FIT नॉट फिट कनेक्ट के लिए यहाँ पे आप लोग का 25 नंबर आप लोगों का इसमें एलिजिबल ऐड नहीं होगा। ठीक है, स्कैनिंग मार्क आप लोग का होगा, यहाँ पे बताया गया है आप लोग का। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखो, यहाँ पे फूड असिस्टमेंट ऑफ रोगनाइज स्पोर्ट अचीवमेंट एज मतलब नॉर्मल्स आप लोग का यहाँ पे देखो 50, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक खेले हो, कितना खेले हो, या फिर कितना लेवल तक खेले हो, वो सब सब मतलब वो सब पर डिपेंड करता है कि आपका नंबर मिलेगा, चाहे मतलब 50 नंबर हो गया, 40 नंबर हो गया, 10 नंबर, इसको क्वालिफिकेशन पे ये सब चीज़ आप लोग का ऐड होता है, जुड़ता है, उसके बाद से आप लोग का मार्क्स बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ना, लेवल फाइव में आप लोग का कितना सिलिम 2800 ग्रेड पर आप लोग का रहेगा, उसके बाद से लेवल टू में आप लोग का 1900 ग्रेड पर रहेगा, लेवल वन में आप 1800 रहेगा, ये सब चीज़ यहाँ मेंशन किया है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग का कम से कम 70 मतलब 60-65-70 का आप लोग का रेशियो रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, इतना होना चाहिए क्या पास हो वो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ मेंशन किया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, नॉर्मल होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, बस आप लोग का शरीर फिट होना चाहिए। ठीक है, हाथ गोड़ पैर ये सब टेटा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद से यहाँ पे देखो बताया गया कि भैया 500 रुपये आप लोगों को फी देना होगा, ऑनलाइन पेड करना होगा। ओके, और जो भी स्टूडेंट एक्स सर्विस मैन है या फिर ST से बिलोंग करते हैं, वोमेन कैंडिडेट है, PWD है, तो उनको 250 रुपया, हमेशा 250 रुपये लिया जाता है, या जब भी वैकेंसी आउट होती है रेलवे की ओर से, तो 200-500 का रेशियो रहता है, ये इससे ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। ओके, हो सकता है ये लोग रिफंड भी कर देते हैं। ओके, तो देख लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया पूरा डिटेल में, ये सब चीज़ यहाँ पे मतलब टर्म एंड कंडीशन लिखा गया। ओके, देखो बहुत बड़ा PDF है, ये पूरा आपको एक बार डिटेल में पढ़ना है। ओके, पढ़ लेना। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रायल होगा, उसके बाद से इंटरव्यू होगा, TA DA, यहाँ पे नो TA DA आप लोगों को बताया गया कि स्टार्टिंग में आप लोगों को नो TA DA सब, इसका टेंशन नहीं लेना यार, TA DA नहीं देगा ही नहीं। ओके, स्टार्टिंग में नहीं देगा, साल भर तक आप लोगों को ट्रेनिंग में रखेगा, उसके बाद से आप लोगों को सब चीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि ये वो वाला जॉब है, 3-5 साल वाला बात नहीं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे, सबसे पहले आप लोग को PDF को अच्छे तरीके से पढ़ना, पूरा डिटेल में पढ़ना है। ओके, पढ़ के फिर आपको फॉर्म को फिलअप करना है, अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो। ठीक है, और हाँ, कमेंट कीजिएगा आपका कौन सा ट्रेड है या फिर ब्रांच है। ये भारत का नंबर वन टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल बनाया गया, और हाँ, अभी ऑफर चल रहा है, जो भी स्टूडेंट IT इलेक्ट्रिशियन से किए हैं, आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, उसके बाद से आप लोग अपना कमेंट करना। ठीक है, रमन सर का वीडियो कम से कम 500 प्लस में आप लोग को टेक्निकल का मिलेगा, और सबसे लिखा गया इफ कंपटीशन बुक आप लोग का PDF मिल जाएगा, उसके बाद से आप लोग को कंप्यूटर का 500 क्वेश्चन MCQ टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, 5000 क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, मतलब सब चीज़ लिखा गया वहाँ पे, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अभी 249 में आप लोग को सब चीज़ मिल जाएगा, ऑफर चल रहा है छठ पूजा तक, तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं ज़रूर SMS कीजिएगा, नंबर लिखा गया 70-33-40-81-17 पे, आप 70-33-40-81-17 पे आप SMS करना, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, नेक्स्ट वैकेंसी पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।